हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च से ही ऐसी तस्वीरें देखने मिल रही है जिसमें ब्रह्मांड के कभी न देखे गए रूप को हम देख पा रहे हैं। जुलाई में दूर के स्टार सिस्टम की पहली जैसी एक नई इमेज जो अवास्तविक कॉन्सेंट्रिक जियोमेट्रिक रिंग से घिरी हुई थी, इसने एस्ट्रोनॉमर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। वेब से मिली ये तस्वीर एक कॉस्मिक थंबप्रिंट की तरह दिखती है। इसके तुरंत बाद इंटरनेट पर थियोरीज और स्पेकुलेशंस की बाढ़ सी आ गई। कुछ लोगों ने इसके डायसन स्फीयर होने का दावा किया जो अनजान मूल के एलियन मेगास्ट्रक्चर का सबूत है। लेकिन ये कार्बन युक्त धूल के रिंग्स क्या है और इसकी खोज एस्ट्रोनॉमी में एक मील का पत्थर आखिर क्यों है? विज्ञान 360 में आपका स्वागत है। वेब स्टार जोड़ी वुल्फ्राय 140 और उसके आसपास 17 धूल के रिंग्स को कैप्चर करने में कामयाब रहा और इसका नतीजा वाकई में चौंकाने वाला है। ये खोज हमारे ग्रह से 5000 प्रकाश वर्ष दूर हुई, जहां सितारों की जोड़ी लंबे वक्त से एक कॉस्मिक वॉल्ट्स में बंद थी। ये स्टार क्रॉस प्रेमी जब भी एक दूसरे के करीब आते तो धूल का गुबार निकलने लगता और ये धूल हर गुजरते वक्त के साथ उनके चारों ओर एक के बाद एक रिंग्स बनाती जाती, एक वसीयत जो मानो उन्होंने एक दूसरे के लिए बनाई हो। ये जोड़ी में ओ टाइप स्टार होता है जो हमारे सूर्य के साइज का करीब 30 गुना होता है और इसका साथ ही वुल्फ्राय स्टार हमारे सूर्य के करीब 10 गुना बड़ा होता है। वुल्फ्राय स्टार्स कभी ओ टाइप सितारे थे जो अब अपने जीवन के अंत के नजदीक है, लेकिन इससे पहले कि वो नष्ट होकर ब्लैक होल बनाए, ये शक्तिशाली हवाओं को बनाते हैं जो बड़ी मात्रा में गैस को स्पेस में धकेलते हैं जो अपने यूथ से भी ज्यादा गर्म होती है। और हो सकता है कि इस खास जोड़ी में वुल्फ्राय स्टार ने इस प्रोसेस में अपनी वास्तविक द्रव्यमान का आधे से ज्यादा हिस्सा बहा दिया हो। अब जब भी तारे एक दूसरे के करीब आते हैं, उनकी तारकीय हवाएं मिलती है, उनके गैस को कंप्रेस करती है और धूल बनाती है। और चूंकि स्टार्स ऑर्बिट हर 8 साल में एक बार उन्हें एक साथ लाती रहती है, इससे रिंग्स की संख्या बढ़ती है। पहले हम वुल्फ्राय 140 के आसपास ऐसे दो रिंग्स के बारे में जानते थे, लेकिन अब जेम्स वेब की बदौलत ऐसे कम से कम 17 कॉन्सेंट्रिक डस्ट रिंग्स देखे गए, यानी कम से कम एक सदी जितना स्टेलर इंटरैक्शंस के सबूत। इसके अलावा कुछ दूसरे वुल्फ्राय सिस्टम्स धूल बनाते हैं, लेकिन वुल्फ्राय 140 जैसा रिंग्स बनाने के लिए कोई भी जाना नहीं जाता। इस अनोखे रिंग्स पैटर्न को दूसरे सिस्टम में देखे जाने वाले गोलाकार से अलग WR140 को वुल्फ्राय स्टार की एक लंबी ऑर्बिट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। 17 से ज्यादा बेहद अच्छे तरीके से तराशे गए गोले, हर एक लगभग सटीक रेप्लिका इसके पहले वाले के अंदर समाया हुआ है, यानी वेब में दिखाई देने वाला सबसे पुराना सबसे बाहरी गोला नए गोले से लगभग 150 साल पहले लॉन्च हुआ होगा, जो अब भी अपनी शुरुआती अवस्था में है और सिस्टम के केंद्र में फिजिक्स को चलाने वाले सितारों की चमकदार जोड़ी से दूर हो रहा है। अपने शानदार प्लम और वाइल्ड फायर वर्क के साथ वुल्फ्राय ने वेब द्वारा जारी की गई सबसे पेचीदा और जटिल पैटर्न वाली इमेजेस में से एक को जारी किया है। नया अध्ययन वुल्फ्राय सितारे कार्बन युक्त धूल के अणु बनाते हैं, जो इसका अब तक का सबसे अच्छा सबूत देता है। इसके अलावा धूल के गोले का प्रिजर्वेशन ये बताता है कि ये धूल सितारों के बीच विरोधी वातावरण में जिंदा रह सकती है और जो भविष्य के सितारों और ग्रहों के लिए मटेरियल सप्लाई करने जा रही है। जाहिर है ये वेब द्वारा ली गई पहली इमेजेस में से एक थी जिसे समझने की कोशिश वैज्ञानिक समुदाय कर रहे हैं। अब हम रुकी हुई सांसों से नए ब्रह्मांडीय अजूबों का इंतजार कर रहे हैं जो तकनीकी चमत्कार का खुलासा करेंगे। और अगर आप इस बात से निराश हो गए हैं कि ये रिंग्स एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स में नहीं बदलने वाला, तो अभी आप उम्मीद ना हारे, क्योंकि वेब ने एक्सोप्लैनेट्स के केमिकल कंपोजिशन का परीक्षण करना शुरू कर दिया है और जल्द ही वो अपने ब्रह्मांडीय पड़ोसी प्रोक्सिमा सेंटोरी पर अपनी नजरें गढ़ाने वाला है। हालिया एस्ट्रोनॉमिकल खुलासे बताते हैं कि हमारी गैलेक्सी में अरबों पृथ्वी जैसे ग्रह फैले हुए हैं, जो ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है।
दो सिंपल फैक्ट्स के आधार पर हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जीवन बड़े पैमाने पर मौजूद हो सकता है। सबसे पहले नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे जीवन के केमिकल एलिमेंट्स ब्रह्मांड में बहुत है। जैसे पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए दो मुख्य कंपाउंड्स हैं, पानी और ऑर्गेनिक कार्बन। दूसरा, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर उसके इतिहास के बहुत पहले से जीवन मौजूद था, ग्रह बनने के तुरंत बाद, जो ये बताता है कि एक बार कंडीशंस सही होने पर जीवन आसानी से और बहुत जल्दी उभर जाता है अगर जीवन की उत्पत्ति बड़ी है तो कॉम्प्लेक्स लाइफ भी बड़े पैमाने पर होगी और हम सिर्फ सिंगल सेल्ड माइक्रोब से कहीं ज्यादा खोज सकते हैं। हो सकता है कि इंटेलिजेंट एलियन लाइफ की भी शुरुआत हुई हो और फिर वे नष्ट हो गए हो। कुछ अपने मरते हुए तारे के प्रकोप से बचने के लिए शायद दूसरे ग्रह या स्टार सिस्टम पर चले गए। किसी भी रूप में जीवन के लिए पूरे ब्रह्मांड में एक नियम ही समान रूप से होना चाहिए और वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पृथ्वी से 4000 प्रकाश वर्ष दूर अब तक पाया गया नजदीक का एक्सोप्लैनेट जो है वो है प्रोक्सिमा बी। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स इसे जीवन जगने के काबिल मानते हैं, जबकि कुछ मानते हैं कि प्रोक्सिमा सेंटोरी, जिसकी ये लगातार परिक्रमा करते हैं, उससे भारी मात्रा में एक्सरे निकलते रहते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की यात्रा के मुकाबले 20 बार करीब से ये एक्सोप्लैनेट अपने स्टार की परिक्रमा करते हैं, लेकिन क्योंकि इसका तारा एक लाल बौना है, इसीलिए प्रोक्सिमा सेंटोरी से इसे मिलने वाली ऊर्जा का स्तर हमारे ग्रह के करीब है। इसका मतलब ये है कि ग्रह का तापमान इतना कम होना चाहिए कि तरल पानी इसकी सतह पर मौजूद रहे। हालांकि क्या इस बात की कोई गारंटी है कि जो जीव पृथ्वी पर पैदा नहीं हुए उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और पानी की जरूरत भी, लेकिन हमारे ग्रह पर ऐसी कंडीशंस हैं जिनसे हमें दूर जाना है और प्रोक्सिमा बी एक सख्त बंद ग्रह है। इसका मतलब ये है कि ग्रह का एक हिस्सा स्टार के सामने होता है जो सोलर रेडिएशन से नहा रहा होता है और दूसरा हिस्सा अंधेरे में होता है। प्रोक्सिमा बी जीवन का केंद्र हो सकता है या नहीं, इसकी ज्यादा संभावना इस बात पर डिपेंड करती है कि वहाँ वातावरण मौजूद है या नहीं, क्योंकि जीवन को सपोर्ट करने के लिए इसे एक ऐसे वातावरण की जरूरत होगी जो खुद से पृथ्वी तक पहुंचने वाले 400 गुना से ज्यादा एक्सरे को रोक पाए। और अगर ये ऐसी ही है तो ग्रहों में ट्वाइलाइट जोन यानी दिन और रात के बीच की रीजन में जीवन मुमकिन है, यानी ये मुमकिन है कि प्रोक्सिमा बी इंटेलिजेंट स्पीशीज को जन्म दे सकती है। डायसन स्फीयर को बनाकर वो स्पीशीज सीधे तारे से एनर्जी हासिल कर सकती है। वो स्पीशीज उन अजीब रेडियो सिग्नल्स के सोर्सेज भी हो सकते हैं जिनका तारे की दिशा से आने का पता हमने 2019 में लगाया था। हालांकि सूर्य उनको एनर्जी दे सकता है जो इनके गायब होने की वजह हो सकती है। सूर्य के मुकाबले लाल बौने आसानी से स्टेलर फ्लेयर्स बनाते हैं। साल 2018 में वैज्ञानिकों ने प्रोक्सिमा सेंटोरी से आने वाली लाइट फ्लैशेस का पता लगाया था जो सोलर फ्लेयर्स से काफी अलग थी। प्रोक्सिमा सेंटोरी को मॉनिटर करने के लिए उन्होंने टेलीस्कोप की मदद ली जो मिलीमीटर वेवलेंथ में लाइट का पता लगा सकता है। उन्होंने वेवलेंथ में बड़े फ्लैश को देखा। एस्ट्रोनॉमर्स ने कभी भी स्टेलर फ्लेयर को लाइट के मिलीमीटर वेवलेंथ में नहीं देखा था। ऐसे में वैज्ञानिक स्टार से आ रही इन अनोखी चमक के बारे में मिलीमीटर लाइट में ज्यादा जानना चाह रहे थे, जिससे वो ये जान पाए कि ये वाकई फ्लेयर है या कुछ और। उन्होंने पृथ्वी पर 9 टेलीस्कोप के साथ सैटेलाइट ऑब्जर्वेटरी का इस्तेमाल किया ताकि उनको प्रोक्सिमा सेंटोरी का लगभग 2 दिन जितना ऑब्जर्वेशन का लॉन्गेस्ट सेट मिल सके, वो भी सबसे ज्यादा वेवलेंथ कवरेज के साथ जो पहले कभी नहीं मिला था। तुरंत ही उन्होंने तेज चमक को खोज लिया। स्टार का अल्ट्रावायलेट लाइट स्तर महज कुछ सेकंड में 10,000 गुना बढ़ गया। अगर इंसान अल्ट्रावायलेट लाइट देख सकते तो ये कैमरे के फ्लैश से अंधा होने जैसा होगा। प्रोक्सिमा सेंटोरी वाकई में तेजी से ब्राइट हो गया। ये चमक कुछ पलों के लिए ही थी और उसके बाद फिर ये कम हो गई। इस तरह बड़े पैमाने पर फ्लेयर्स
मूल रूप से उस तारे की परिक्रमा करने वाले किसी भी ग्रह के वातावरण को थोड़ा बर्बाद कर देता है, जिसमें पृथ्वी जैसा ग्रह भी शामिल है। और अगर आपके ग्रह पर कोई वातावरण नहीं बचा है तो निश्चित रूप से आपके पास जीवन के लिए काफी विरुद्ध वातावरण होगा, जो भारी मात्रा में रेडिएशन, बड़े पैमाने पर तापमान में उतार चढ़ाव और सांस लेने के लिए बहुत कम या कोई हवा नहीं होगी। ऐसा नहीं कि जीवन नामुमकिन होगा, लेकिन सीधे स्पेस से संपर्क में आने वाले ग्रह की सतह का वातावरण पृथ्वी से बिल्कुल अलग होगा, और इसीलिए किसी सभ्यता के बढ़ने और फलने फूलने के लिए उन्हें रात के साइड को अपना घर बनाना होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि वे लाइट और सौर ऊर्जा को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर मिरर्स बनाएंगे और उन्हें हवा में उठाएंगे, या वे अपनी दुनिया को रोशन करने के लिए बड़े पैमाने पर LED लाइट्स बना सकते हैं। पृथ्वी से अब तक के ऑब्जर्वेशंस हमें बताते हैं कि प्रोक्सिमा बी पर जीवन की संभावना कम है, लेकिन बेकार नहीं, और जल्द ही हम इस ग्रह के बारे में और बहुत कुछ खोज पाएंगे जब हमारा तकनीकी विकास अपनी नजरें इस स्टार सिस्टम पर गढ़ा देगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप न सिर्फ स्टार और ग्रह को कैप्चर करने के काबिल है, पर साथ ही ये प्रोक्सिमा बी के एटमोस्फेरिक कंपोजिशन का अध्ययन भी कर सकता है, ताकि वो जीवन के निशान खोज पाए। अगर वहाँ कोई भी आर्टिफिशियल लाइट्स रही तो वेब उसे ढूंढ ही लेगा, और अगर प्रोक्सिमा बी में वाकई जीवन मुमकिन है तो मानवता के पास एक ग्रह होगा जहाँ हम रह सकते हैं या जिसे अपना सेकेंड होम बना सकते हैं। मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बनने के लिए प्रोक्सिमा बी पर जीवन की खोज इंसानों के लिए बहुत कुछ बदल देगी, बस हमें करना है थोड़ा इंतजार। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।